मेरा नाम नेविल है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएमएस जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उसको हम थॉरली देखेंगे और उसके साथ साथ उसको टॉपिक वाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एक एक टॉपिक के हमें अलग अलग वीडियो बनाए हैं और होप्सो आपको ये वीडियोज पसंद आएंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो कि पीएमएस जनरल नॉलेज की आउटलाइन में है क्या। जिसके आउटलाइन 8 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं जिनमें सबसे पहले आपके पास करंट अफेयर्स है और सेकंड नंबर पे आपके पास फिजिकल साइंसेज हैं, थर्ड पे आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेज है, फोर्थ पे आपके पास एनवायरमेंटल स्टडी है, फिफ्थ पे आपके पास फूड साइंस, सिक्स में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेवन्थ पे बेसिक मैथमेटिक्स और एट्थ पे आपके पास जनरल है। एक नोट्स पे लिखा हुआ है कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए तो इनमें जनरल में आपके पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास है फेमस साइंटिस्ट एंड देर क्लेम टू फेम के। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है फेमस इन्वेस्टमेंट डिस्कवरीज साइंटिफिक लॉज एंड पास्टुलेट्स और थर्ड पे आपके पास है यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। अब हम इन 3 चीज़ों पे आज का हमारी वीडियो मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और किन से आपको हेल्प मिलेगी। जनरल में ये तीनों जो चीज़ें हैं ये साइंस से रिलेटेड हैं तो आप अगर मैट्रिक की जनरल साइंस की बुक जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है और इसके साथ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके पास अवेलेबल भी होंगी इजीली। कोई बच्चा अगर कोई मोहल्ले में या आपके गार्जियन कोई पढ़ रहा है तो आप उससे भी लेके नोट्स बना सकते हैं। तो आपने डाउनलोड बुक कहाँ से करनी है वो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड उनकी वेबसाइट है वहाँ से आप सारी जो उनकी बुक्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर सलमान वर्धमान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इसके अलावा आपके जो न्यूटन हो गया और आइंस्टाइन, इब्न हसन, अबू यूसुफ अलकुंदी और इसके अलावा अलख्वाज़मी, ये जितने साइंटिस्ट हैं आपने हिस्ट्री में पढ़े हैं उन सब के आपके तो उनके नाम और उनके क्लेम के किसी वजह से मशहूर है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको साइंस जनरल साइंस की किताबों से मिल जाएगा क्योंकि मैं इन वीडियोज़ में आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबी लंबी वीडियोज बनाएं और उसमें आपको सब कुछ बताएं कि किसके अगेंस्ट उसने क्या फेमस चीज़ है और क्या क्या उसने डिस्कवरीज की है। सेकेंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा फेमस इन्वेंशन डिस्कवरीज साइंटिफिक लॉज एंड पास्टुलेट। फेमस इन्वेंशंस क्या हैं, ऐसी इन्वेंशन जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी आसान की है उसमें छोटी से छोटी मशीन से लेकर बड़ी सी बड़ी डेविक मशीन है जिनमें कंप्यूटर है आपके भाई जहाज है वो हो गया छोटी मशीन है जो आप रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं आपके मोबाइल है लैपटॉप्स हैं आप गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो किसी ने इन्वेंट की और इसके अलावा आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के तो वो किन किन ने याद की वो आप सब कुछ आप याद करें और इससे आपको जनरल का जो पेपर है वो करने में बहुत आसानी होगी। आगे आ जाते हैं हम डिस्कवरीज, डिस्कवरीज भी वही डिस्कवरी में जियोग्राफी की भी चीज़ें आ जाती हैं। वर्ल्ड के जो कुछ ऐसे पार्ट थे अर्थ के बाद जो मुख्तलिफ सियाह थे टूरिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किए और साइंस से रिलेटेड भी डिस्कवरी जितनी हैं वो भी आपने कर ली है। तो मोस्टली जो पीएमएस जनरल नॉलेज का पेपर है जो ज़्यादा साइंस से रिलेटेड होता है 60-70% जो चीज़ें होती हैं वो साइंस से रिलेटेड आती है। आम टिपिकल जो पीपीएससी का 100 मार्क्स का पेपर होता है उसके लिए एक उल्ट आप कह रहे 180 डिग्री पे उल्ट दौर पे जाके ये चलता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती बहुत मुश्किल होती हैं लेकिन आप उसको आसान कैसे बना सकते हैं जो एक आप तो अपने शॉर्ट नोट्स में हैं और इसके साथ साथ आप अपने नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं तो आप उसको आसान बना सकते हैं। साइंटिफिक लॉज ये बिल्कुल इतने ज़्यादा नहीं है, न्यूटन के मोशन के लॉज हैं, आर्किमिडीज के लॉज हैं, आइंस्टाइन के लॉज हैं, तो ये सारे जो आपकी एसएससी और मैट्रिक की साइंस किताबों में लॉज दिए गए आप उनके डेफिनेशन लिखने और उसके अगेंस्ट लिखने के लिए किन किन लॉज साइंटिस्ट ने लॉज पेश किए थे तो आपका ये जनरल का जो है सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें थर्ड पे आते हैं यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट मेजर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉलो किए जाते हैं क्योंकि पहले ब्रिटिश सिस्टम सेपरेट था अमेरिकन उसके बाद ये 1860 में उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल लॉन्च किया था
और उसके बाद आपका जो मैस है वो किलोग्राम में होना है, वेट है उसका फार्मूला होना है वो न्यूटन में है, फोर्स स्क्वायर है वो न्यूटन में होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने एक आपको गाइडलाइन देगी, डिजिटल यूनिट्स आपने याद करने हैं कि कौन सी चीज़ किस में मेजर की जाती है, वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, आपका अगर कोई फ्लूड है तो उसको किस में मेजर किया जाता है, एरिया है तो उसका यूनिट क्या होगा, तो ये चीज़ें आपने याद करनी। और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट वो चीज़ें साइंस से रिलेटेड है, तो जनरल में आपके पास तीन आगे पॉइंट जो आज मैंने डिस्कस किए हैं आप उनको डिवाइड भी कर लें, फेमस साइंटिस्ट एंड दे क्लेम टू फेम, नंबर टू पे आपके पास फेमस इन्वेस्टमेंट डिस्कवरी साइंटिफिक लॉज एंड पास्टुलेट्स, नंबर थ्री पे आपके कंपोनेंट एंड इंस्ट्रूमेंट मेजर। ये तीन चीज़ें हैं जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बाकी जो सात रहेंगे उनमें से एक टॉपिक लूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा, ताकि ये आप अपने इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ। और पीएमएस का जो जनरल नॉलेज का पेपर है जिसमें ऐसे के बाद ज़्यादा लोग फेल होते हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकें, ना सिर्फ अच्छे मार्क्स लें बल्कि आपका नॉलेज भी बिल्ड हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।